आज जो है विद्युत इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है, क्या आपने मंत्री जी से क्या? देखिए, हमने माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल ने एक स्टडी किया है कि हम लोग किस प्रकार से पेट्रोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स विदर्भ में तैयार कर सकते हैं और उसके माध्यम से नई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार की निर्मित कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमने जो प्रेजेंटेशन था वो मंत्री जी के सामने रखा और मंत्री जी वॉज काइंड इनफ, उन्होंने बहुत ही उसको पॉजिटिवली लिया है और उन्होंने तुरंत उसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के आदेश भी दिए हुए हैं और कुल हमारा जो डिस्कशन है उससे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फिजिबल होगा और मंत्री जी उस पर कन्विंस्ड है और एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये उधर में आएगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। क्या होगा सर, इस प्रोजेक्ट की डिटेल बताएंगे? देखिए, ये तो आज हम लोग देख सकते हैं तो पेट्रोकेमिकल से बहुत इंडस्ट्रीज को फायदा होता है और अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये सारा रॉ मटेरियल उसमें से तैयार होता है, तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री भी अट्रैक्ट होगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी तैयार होंगे, तो उसका एक मैं ऐसा मानता हूं कि रोजगार के निर्माण के लिए बड़ा फायदा होगा। आज विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल यांच्यासोबत आम्ही पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी यांची भेट घेतली आणि त्यांना आम्ही विनंती केली की आता समृद्धी महामार्ग झालाय, गॅस पाईपलाईन आपण आणू शकतोय आणि त्याच्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकारे जर एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हा आपल्याला जर विदर्भामध्ये करता आला तर त्यातनं मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीज आपल्याला आकृष्ट करता येतील आणि त्या संदर्भातलं वेदचं प्रेझेंटेशन त्यांनी बघितलं आणि ते फार त्या संदर्भात सकारात्मक होते आणि त्यांनी तात्काळ टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटीचे आदेश दिलेले आहेत ज्याच्या आधारावर पुढच्या काळामध्ये याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल। पण त्यांच्याशी ज्या काही चर्चा झाल्या त्यातनं चर्चा फार सकारात्मक झाल्या, त्यामुळे मला विश्वास आहे की निश्चितपणे विदर्भामध्ये आपण अशा प्रकारचा कॉम्प्लेक्स हा आणू शकतो।